नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हर्षित और आज के शो समस्या एवं समाधान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कभी कभी आपके सामने एक समस्या आती है कि आपका जो फ्रिज का फ्रीजर होता है बहुत ज़्यादा बर्फ इसमें जम जाती है और इस ढक्कन को खोलने में भी परेशानी जाती होगी। तो ये बर्फ जो जमती है इसका कारण क्या है? मेन कारण बहुत ज़्यादा बर्फ, नॉर्मल तो सबके में जमती है पर इसमें ज़्यादा। तो आप ये वायर देख रहे होंगे, ये वाला वायर, ये जो वायर है थर्मोस्टेट से कनेक्ट होता है। टेम्परेचर जो कंट्रोलर बटन होती है यहाँ पर, इससे ये वाला वायर कनेक्ट होता है एक सिरा, और दूसरा सिरा जाके जो फ्रीजर है हमारा उसके नीचे, आपको ये दिख रहा होगा प्लास्टिक का बना हुआ, उसके नीचे उससे चिपका हुआ रहता है। मतलब ये सेंस करता है, सेंसर है जो बताता है टेम्परेचर मेंटेन को। तो यदि यह अलग हो गया है तो यही इसका मेन कारण है कि इसमें बर्फ ज़्यादा जम रही है, बहुत ज़्यादा जम रही है। तो आपको क्या करना है कि इस वायर को इसके पास कनेक्ट कर देना है। मतलब इससे, इसमें यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो इसको आप इसके अंदर, देखिए हम लगा देते हैं, देखिएगा हमने इसको इसमें अटैच कर दिया गया है, पास में रख दिया है। तो जो सेंस करता है कि टेम्परेचर क्या है, यही आपके इस फ्रीजर में बर्फ जमने का कारण था कि ये अलग हो गया था। अब इसको हमने पास में लगा दिया है तो अब आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी। और यदि फिर भी ये समस्या आपके सामने फेस करनी पड़ रही है इसको पास में लाने के बाद भी, तो देखिएगा आपका ये कंट्रोलर का जो बटन है ये खराब हो गया होगा यदि आपको अभी भी समस्या सामने आ रही है। और देखिएगा इस जो कंट्रोल बटन है इसको आपको मेंटेन करना है। मतलब यदि आपने फुल पे कर रखी थी अभी तक, तो देखिए इसको अपन सबसे पहले डाउन पे ले आइए पूरा कम्प्लीटली और इसको मेंटेन कर रखिए दो या तीन पर, ठंड का यदि मौसम है तो दो पर इसको कंट्रोल करके आपको रखना है। धन्यवाद। इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं कभी कभी घर में फेस करनी पड़ती हैं घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान में, तो जो भी समस्या आती है उसके समाधान के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ।